दोस्तों पिगमेंटेशन से हम सभी परेशान हैं, कोई बहुत कम परेशान है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, और विशेषकर हिंदुस्तान में तो पिगमेंटेशन एक बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पर अपनी स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी स्किन पर बहुत कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और जब यही सेंसिटिव स्किन धूप में जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जो कि नॉन रिवर्सिबल है। तो मेक श्योर अगर आपने भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट आपकी स्किन पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन गलतियों को अगर हम ठीक कर ले तो डेफिनेटली हम अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिगमेंटेशन को ठीक होने के बाद हम उसे वापस आने से रोक सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारी स्किन में जो बनने वाला कलर है, जो हमारी स्किन को रिफ्लेक्शन देता है, वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है। जितना ज़्यादा ये कलर हमारी स्किन में बनेगा, हमारे पिगमेंटेशन झाइयों का जो कलर है वो उतना ज़्यादा काला हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे चेहरे पर ये पिगमेंटेशन आने लगता है, हम बहुत सारे भारतीय क्या करते हैं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए सीधा मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं इनको दूर करने के लिए कोई दवाई दे दीजिए। अब वो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हमें दे देते हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। आपको उनके अंदर विशेषकर जो सॉल्ट मिलेगा वो होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इतना खतरनाक एक सॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी स्किन का ये पिगमेंटेशन हमें लगता है एक हफ्ते में गायब हो गया, लेकिन जैसे ही हम इन्हें लगाना बंद करते हैं हमें पता चलता है कि हमारी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। अब जैसे ही हम धूप में जाते हैं स्किन और ज़्यादा लाल हो जाती है, और लालपन को अगर हम ठीक नहीं करते हैं या रेडनेस को हम ठीक नहीं करते हैं तो ये ब्लैकनेस में कन्वर्ट हो जाती है और पहले से ज़्यादा पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें सबको ये समझनी है कि अगर पिगमेंटेशन है तो हमें कोई भी ऐसी दवा नहीं लगानी है जो हमने किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस ना ली हो। एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए तभी आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब पहली गलती तो मैंने आपको बताई कि आपको ये ध्यान रखना है कि बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के कोई भी चीज आपको अपने चेहरे पर नहीं लगानी है। आप छोड़ दीजिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप छोड़ दीजिए, बल्कि आप कुछ और लगा करके अपनी स्किन को डैमेज करें, उससे अच्छा है कि आपको उसको ही रहने दें। नंबर टू, हमारी एक सोच हो गई है कि हम सिर्फ बाहर से कुछ लगाएंगे हमारी स्किन ठीक हो जाएगी, हम ऊपर से कुछ लगा लेंगे हमारी स्किन रिपेयर हो जाएगी, जबकि होता ऐसा नहीं है। क्योंकि स्किन जो है उसके ऊपर पिगमेंटेशन कोई हवा में घूम रहा था और आकर के आपकी स्किन के साथ चिपक गया, ऐसा नहीं होता है ना। पिगमेंटेशन धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर डेवलप होता है, जिसके लिए बहुत सारे शरीर के अंदर होने वाले जो कारण होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और वो पिगमेंटेशन धीरे धीरे बाहर आता है। मतलब पिगमेंटेशन की यात्रा कैसी है, अंदर से बाहर की तरफ, और हम ट्रीटमेंट कैसा करना चाहते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो अगर आप अपने पिगमेंटेशन को सच में, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, सच में ठीक करना चाहते हो तो आपको अंदर से काम करना होगा, और उसमें आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी खाने के अंदर सारे के सारे विटामिन्स और सारे के सारे मिनरल्स, चाहे ये बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब का आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। विटामिन ए बी सी डी ई पी के, और मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम मैग्नीज सेलेनियम सल्फर जिंक, ये सारे के सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में आपकी मदद करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम हेल्दी खाएं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में इन मिनरल्स की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हेल्दी खा पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं खा पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे शरीर में मैं अपने वो पोषक तत्व डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको वेलनेस बीट का ये जो ब्यूटी विटामिन है ये जरूर ट्राई करना चाहिए। वेलनेस बीट का ये जो ब्यूटी विटामिन है ना, ये बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया गया है, और ये सारे के सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो साइंस ने प्रूव किए हैं कि ये हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में, हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है, हमारी स्किन के अंदर
का जो एजिंग प्रोसेस है उन सबको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं इसके अंदर क्या क्या है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B6, B11, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, ग्लाइसिन और L-cysteine, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर अगर मैं नेचुरल हर्ब्स की बात करूं तो इवनिंग प्राइम रोज ऑयल पाउडर है, ग्रीन लीफ एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। तो ये जो मैं आपको वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन बता रहा हूँ ये मैं खुद भी अपने रूटीन में शामिल किए हुए हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी स्किन में पिगमेंटेशन है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आज मेरी स्किन की कंडीशन है वो डे बाय डे और इम्प्रोवाइज होनी चाहिए क्योंकि मुझे एक स्किन केयर एक्सपर्ट की तरह काम करना है और जब मुझे स्किन केयर एक्सपर्ट की तरह काम करना है तो मेरी स्किन अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते हैं। सो मेक श्योर इसे आप भी अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। देखो ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप नॉर्मल खाने से सारे न्यूट्रिशंस पूरे कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आप इसका लीजिए दूध या पानी के साथ में, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं इसे पढ़ने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप एक बार इसे जरूर स्टडी कीजिएगा, अच्छा लगे तो पढ़ने के बाद इसको कॉन्फिडेंस के साथ में ट्राई कीजिएगा और 3 से 6 महीने ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर बहुत लगा लेते हैं लेकिन उस मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट को जो अंदर से आ रहा है, जो शरीर अंदर से हमारी स्किन को देता है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरा मतलब है कि पानी पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अगर पिगमेंटेशन को आपको ठीक करना है तो कम से कम आपको 4.5 लीटर पानी रोज पीना जरूरी है। आप एक बात बिल्कुल शायद समझते भी होंगे कि अगर गंदगी है कहीं पर तो उस गंदगी को आगे धकेलने के लिए पानी का प्रेशर ही काम करता है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर स्किन में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, अगर स्किन में बहुत सारे जो मेलानोसाइट्स हैं उन्होंने मेलानिन बना के जमा कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए हमें पानी ही चाहिए। पानी होगा तभी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, तभी स्किन के अंदर ड्राइनेस कम आएगी क्योंकि ड्राई स्किन पर पिगमेंटेशन ज्यादा आता है। तो ये मेक श्योर करें कि कम से कम 4.5 लीटर पानी आप जरूर पिए। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किन पर सनस्क्रीन नहीं लगाते। हमें लगता है हम तो धूप में जाते ही नहीं है, हमें लगता है हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि घर के अंदर भी आप LED लाइट्स के कॉन्टैक्ट में हो, आप लैपटॉप के कॉन्टैक्ट में हो, आप किचन हीट जो होती है उसके कॉन्टैक्ट में हो, मोबाइल स्क्रीन है, TV है और भी न जाने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जिनके कॉन्टैक्ट में हम होते हैं, जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन पर अपना असर देती हैं। तो अगर आप घर में भी हो ना तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है और मिनिमम आपको SPF 50 लगाना चाहिए और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ट्राई करना चाहिए। इसे दिन में 2 बार आप लगा लो, सुबह 7-8 बजे लगा लीजिए नहाने के बाद और लगभग 4 घंटे के बाद आप इसे दोबारा से रिपीट कर लीजिए। आप देखोगे कुछ ही दिनों में सूरज की वजह से जो डैमेज हो रहा था स्किन को उसको प्रोटेक्शन करके या आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद कर रहा है। पांचवी हम गलती क्या करते हैं, अपने चेहरे पर हम कोई भी रॉन्ग कॉस्मेटिक्स लगा लेते हैं। मतलब हमने किसी पर ऐड देखा, हमने कहीं पर किसी ने कुछ बताया बिना ये चेक किए कि जो व्यक्ति ये बता रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्या वो एक क्वालिफाइड स्किन केयर एक्सपर्ट है जो मुझे बता रहा है, या वो सिर्फ एक ऐसे ही यूट्यूबर है या फिर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है जो सिर्फ मुझे बताया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप अपने चेहरे पर कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो हमेशा देखो कि ये चीज़ रिकमेंड किसने की है और क्या ये मेरी स्किन का जो टाइप है उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। नंबर 6 जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है लैक ऑफ फेस मसाज। हम क्या करते हैं, चेहरे पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स सिर्फ लगाए जा रहे हैं, हम ये ध्यान नहीं रखते कि इन कॉस्मेटिक्स को लगाने के साथ साथ इनका एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है, इनका अवशोषण भी स्किन में होना चाहिए। अगर ये अवशोषण हमारी स्किन में नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो ये आपको रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए चेहरे की मसाज करना। चेहरे की मसाज के लिए आप अपनी स्किन के हिसाब से मलाई ले सकते हो, आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, जो आपकी स्किन को सूट करता हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखोगे आपकी स्किन पर धीरे धीरे करके ग्लो
बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट जो गलती दोस्तों हम करते हैं वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब हम अपने रूटीन में एक्सरसाइज ही नहीं करते। हमें लगता है कि प्रॉब्लम तो चेहरे की है, तो शरीर की एक्सरसाइज करने से क्या होगा। दोस्तों आपके शरीर के जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पसीना आता है, और ये पसीना एक रास्ता है जो आपके शरीर से जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और जब ये टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलते हैं ना तभी आपकी स्किन पर ग्लो आता है। अब देखिएगा जितने भी जिम जाने वाले लोग होते हैं उनमें से 80% जो लोग होते हैं उनकी स्किन हेल्दी होती है। उसका रीजन, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज के दौरान टॉक्सिन्स निकलते हैं, नंबर टू एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, और जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है तो आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो आता है। मेक श्योर इन सातों गलतियों को आप करने से बचिए, प्रॉपर अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखते हो ना तभी आपका चेहरा जो है वो ग्लो करता है, नहीं तो हम ये सोचने में लग जाते हैं अगर मैं कहीं जाऊंगा या जाऊंगी वो क्या देख करके मुझे बोलेगा या वो क्या मुझे बोलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। यही एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, लेकिन इस यात्रा को एंजॉय करना शुरू कीजिए। I hope this all points are going to help to you. Thank you so much. और बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार अब जैसे हमें देते हैं I hope वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।